देश के नामचीन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने सोमवार को अपने नए जन सुराज अभियान का शंखनाद कर दिया। वो इसकी शुरुआत बिहार से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर दो दिनों से बिहार की राजधानी पटना में हैं, लेकिन अब तक उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई है। मुलाकात नहीं होने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कभी जनता दल यूनाइटेड में कुमार के साथ काम कर चुके किशोर अब मुलाकात के लिए अनिच्छुक नजर आ रहे हैं और उनका ये रवैया कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इसके भी कई कारण गिनाए जा रहे हैं। खबरें तो यहां तक आई थी कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार रविवार को मिलने की योजना बना रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि सीएम खुद बैठक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रशांत किशोर की आने की संभावना नहीं है तो वो पटना की सड़कों का निरीक्षण करने निकल पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य मंत्री नितिन नवीन और दूसरे अधिकारियों को बुलाया गया और पटना में सड़कों और पुलों का निरीक्षण 3 घंटे तक चला। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात नहीं होने के कुछ और कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि उन्होंने कहा कि किशोर बैठक से इसलिए बच रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार ने अतीत में एक निजी मुलाकात को आधिकारिक बताने और फिर उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चाओं में कर भरोसा तोड़ा था। दूसरा ये कि प्रशांत किशोर उस दौरान ज़्यादा नाराज हुए जब उन्होंने खुद को हाशिए पर पाया। ये बात पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के बाद की है, जिसमें अध्यक्ष की कुर्सी जनता दल यूनाइटेड के छात्र समूह के खाते में गई थी। साफ तौर पर भाजपा का दबाव झेल रहे नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से जिम्मेदारियां वापस ली और ये सुनिश्चित किया कि 2019 चुनाव में वो दरकिनार किए जाएं। रिपोर्ट के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून पर दोनों के बीच असहमति भी अलग होने का कारण बनी। खास बात है कि कुमार CAA का समर्थन कर रहे थे। तीसरा मामला यह है कि प्रशांत किशोर के करीबी सूत्र बताते हैं कि चुनावी रणनीतिकार को उस समय भी लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है, जब नीतीश कुमार सरकार को रिपोर्ट करने वाली पटना पुलिस ने साल 2020 में उनके खिलाफ कंटेंट चोरी के आरोपों को साबित करने के प्रयास किए। वहीं चौथा मामला ये भी है कि साल 2018 में जब नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की ओर से राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व की तरफ से कमान संभालने का भरोसा मिलने के बाद सीएम ने अपने विचार बदल लिए थे। हाल के दिनों में प्रशांत किशोर कांग्रेस के भीतर कोई बड़ा पद पाने को लेकर चर्चा में आए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर अपनी असहमति जताई। इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि प्रशांत किशोर ने कभी किसी एक पार्टी के साथ काम नहीं किया है। उनकी निष्ठा को लेकर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। दरअसल प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जिनकी शुरुआत बेशक प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई, वो उनके ब्रांड मैनेजर भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का रुख किया था, जो उस समय पर प्रधानमंत्री मोदी के धुर विरोधी माने जाते थे। इसके बाद ममता बनर्जी, TRS जैसे तमाम दलों के साथ प्रशांत किशोर काम कर चुके हैं। आज भी उनकी TRS के KCR से बहुत नज़दीकियाँ बताई जाती हैं। इसे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि कांग्रेस के साथ उनकी बात नहीं बन पाई। बहरहाल अब उन्होंने राजनीति में उतरने का मन बना लिया है, लेकिन बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ समीकरण बनना इतना आसान नहीं होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।